आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी निबंध स्वरूप से एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ विकलांग हैं। यह कुल जनसंख्या का 2.3% है। जनगणना आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 49% साक्षर हैं। प्राचीन काल में समाज में विकलांग व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उस समय विकलांगता को दूर करने के लिए कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। परिवार और समाज के लिए उन्हें बोझ समझा जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें मांगने खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। विकलांगों के लिए विकलांगता एक अभिशाप है। भारत में तो विकलांगों की सहायता के लिए विभिन्न मंत्रालय विविध प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय कक्षा 10 के स्तर पर दृष्टिमूलक पेपरों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्नों की व्यवस्था करता है। इतना ही नहीं, दृष्टिहीन विकलांगों को परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए टाइपराइटरों और कंप्यूटरों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। परीक्षा शुल्क में छूट दी जाती है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत विकलांगों के लिए अलग से रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ये विशेष रोजगार कार्यालय उनकी अवशिष्ट शारीरिक क्षमता एवं मानसिक संभाव्यता के अत्यधिक अनुकूल रोजगार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग कृत्रिम अंग को बनाने की एक परियोजना चला रहा है। खेलकूद मंत्रालय विकलांगों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का दायित्व निभा रहा है। भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नौकरी प्रदान करने के लिए आरक्षण प्रदान किया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में उनके कल्याण के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज को भी विकलांगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। समाज को उन्हें अशुभ मानना, उन्हें चिढ़ाना, उनकी उपेक्षा करना, उन्हें मनुष्य से एक दर्जा नीचे मानने के पारंपरिक सोच को बदलना होगा। अन्यथा सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं कभी कारगर नहीं होंगी। यदि हम उन्हें
अपनी बराबरी का मनुष्य मानेंगे तो हमारी मानसिकता में आए परिवर्तन का व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आज विकलांगों को सहानुभूति, दया, भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आवश्यकता है रचनात्मक दृष्टिकोण, सही व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार पर विशेष बल देने की। इससे विकलांगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि समाज के उपेक्षित इन व्यक्तियों का उत्थान हो, तो हमें इनके साथ सहानुभूति का व्यवहार न करते हुए इन्हें प्रत्येक प्रकार का हर संभव अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि उन्हें समाज की प्रगति की धारा में जुड़ने का अवसर उपलब्ध हो सके। संतोष की बात है कि आजकल विकलांगों के प्रति समाज के परंपरागत दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। वह उनके पुनर्वास में हर तरह का सहयोग कर रहा है। परिवार के सदस्य भी उन्हें हर संभव सहयोग दे रहे हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।